नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कोरोना वायरस से धीरे धीरे पूरा देश उभर रहा है, लेकिन कोरोना के बाद ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस जैसे केस नई चुनौतियां बनकर सामने आए हैं। लेकिन अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के बाद गुजरात में एक नए किस्म के संक्रमण का मामला सामने आया है। राज्य के वडोदरा में कोरोना रोगियों के साथ ही इस रोग से उबर चुके लोगों में एस्परजिलोसिस फंगस इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं। ब्लैक फंगस या म्यूक्योरोमाइकोसिस के बढ़ते मामलों के बीच नया फंगस संक्रमण डॉक्टरों के लिए चुनौती के साथ ही रोगियों के लिए भी परेशानी का कारण बना हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए, जहां एक ओर कोरोना महामारी से लड़ाई के बाद धीरे धीरे पूरा देश फिर से पटरी पर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना के बाद कई और ऐसे संक्रमण हैं जो देश और सरकारों के लिए नई चुनौतियों के रूप में सामने आ रहे हैं। दरअसल ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के बाद गुजरात में एक नए किस्म के संक्रमण का मामला सामने आया है। राज्य के वडोदरा में कोरोना रोगियों के साथ ही इस रोग से उबर चुके लोगों में एस्परजिलोसिस फंगस इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं। वडोदरा के दो सरकारी अस्पतालों में म्यूकोरमाइकोसिस के 262 रोगियों का इलाज चल रहा है। इनमें से एक अस्पताल में पिछले एक सप्ताह के दौरान 8 लोगों में एस्परजिलोसिस संक्रमण पाया गया है। इस फंगल इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के पीछे कोविड रोगियों के इलाज में बढ़ते स्टेरॉइड्स के साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई को हाइड्रेट करने के लिए नॉन स्टेरॉइल वाटर का यूज भी बताया जा रहा है। इस अस्पताल में ही मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यीस्ट इन्फेक्शन कैंडिडा ऑरिस के 13 मामले सामने आए हैं। शहर के कोविड 19 के सलाहकार के अनुसार कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में पल्मोनरी एस्परलोजिस के मामले तो अक्सर देखने में आते थे, लेकिन पहली बार साइनस एस्परजिलोसिस का केस रेयर है। ये संक्रमण ऐसे लोगों में देखने को मिल रहा है जो कोरोना संक्रमित हैं या जो इस संक्रमण से उबर चुके हैं। हालांकि ये ब्लैक फंगस जैसा तेजी से नहीं फैलता है, लेकिन ये आक्रामक प्रकृति का होता है। गुजरात में कोरोना वायरस के मामलों में काफी गिरावट के मद्देनजर राज्य सरकार ने 36 शहरों में रात के कर्फ्यू में 1 घंटे तक की रियायत देने का बुधवार को फैसला किया, जबकि दिन के वक्त लगाई गई पाबंदियों को ज्यों का त्यों रखा गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर में कैबिनेट की बैठक के बाद कर्फ्यू के संशोधित समय के संबंध में घोषणा की। राज्य में 30 अप्रैल को सबसे ज्यादा करीब 14,600 नए मामले आए थे, जबकि वर्तमान में लगभग 3,200 मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोविड 19 की तीसरी लहर की आशंका से सतर्क है और इससे निपटने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना की घोषणा जल्द ही कर देगी। एस्परजिलोसिस फंगस इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के पीछे कोविड रोगियों के इलाज में बढ़ते स्टेरॉइड्स के साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई को हाइड्रेट करने के लिए नॉन स्टेरॉइल वाटर का यूज भी बताया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।